नमस्कार, मेरा नाम है हरदविंदर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कुछ SQL की कमांड्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। SQL कमांड्स आपको पता ही है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें कुछ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DML की कमांड्स, DDL और DML की कमांड्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। DDL मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और कुछ इसके अलावा हम रिलेशनशिप के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाना है, उसका क्या महत्व रहता है। और कुछ कंस्ट्रेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, प्राइमरी की और फॉरेन की के कंस्ट्रेंट्स का क्या महत्व रहता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डेटाबेस के बारे में जानते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या महत्व रहता है कि आप एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना डाटाबेस मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत बड़ा डाटा होता है, तो उनको वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में मेंटेन करने के लिए हम रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही क्यों यूज़ करते हैं, जैसे हम प्रैक्टिकली करेंगे तो साथ के साथ आपको थोड़ी इसकी भी क्लैरिटी मैं करता जाऊंगा, जो कि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में जो थ्योरी का एग्ज़ाम है IT का, उसमें आप के लिए यूज़फुल रहेगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। कुछ शुरुआत करते हैं कुछ DDL लैंग्वेज के बारे में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में। DDL कमांड्स होती हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के। कुछ आपने टेबल्स क्रिएट करने हैं, कुछ डेटा डिफाइन करना है, डेटा टाइप्स डिफाइन करनी है, कि आपने जो डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं आप उसके लिए एक डेफिनेशंस बनानी है आपने, तो वो होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें कमांड्स आ जाती हैं लाइक क्रिएटिंग अ टेबल, देन यू कैन से ऑल्टरिंग टेबल, ड्रॉपिंग ड्रॉप टेबल, ये कुछ कमांड्स है। ट्रंकेट टेबल, कुछ कमांड आप उसको टेबल में कुछ ट्रंकेट करना चाहते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम डेटाबेस में एग्जीक्यूट करेंगे, मेरे पास बेस एग्जीक्यूट है, इसमें हम SQL की कमांड्स को रन करेंगे और डिटेल में सीखेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और उसके बाद DML, कुछ DML के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि मान लो मैंने एक डेटाबेस बनाना है स्कूल के लिए। स्कूल के अंदर मैंने अलग अलग एंटिटी हैं, मतलब एक स्टूडेंट है और कुछ इंस्ट्रक्टर हैं जो स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं, मींस यू कैन से टीचर्स, और कोर्सेज हैं जो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करने हैं, और इंस्ट्रक्टर हैं, कोर्सेज हैं, स्टूडेंट हैं। तो यही है एंटिटी हैं डिफरेंट। एक बच्चा कौन से कोर्स में इनरोल हो रहा है और कौन से उनको इंस्ट्रक्टर रहेंगे, और स्टूडेंट्स की जो डिटेल है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें अलग अलग टेबल्स बनाएंगे, स्टूडेंट डिटेल्स, इंस्ट्रक्टर एंड कोर्स एंड देन स्टूडेंट्स एनरोल्ड। इन टेबल्स को आपस में रिलेशनशिप भी बनाएंगे हम, अलग अलग एंटिटीज को कैसे रिलेशनशिप करना और क्यों हमें इन सारी इंफॉर्मेशन को अलग अलग टेबल्स में डिवाइड किया है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये वाला टेबल क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट्स डिटेल्स। टेबल कैसे क्रिएट करना है, आपने SQL के लिए कमांड क्या होती है टेबल को क्रिएट करने के लिए, सिंपली आप लिखते हैं क्रिएट देन टेबल, टेबल का नाम। सपोज मेरे टेबल का नाम है स्टूडेंट्स डिटेल्स, तो उसके बाद क्रिएट टेबल देन टेबल नेम, देन यू विल स्टार्ट द राउंड ब्रैकेट एंड यू विल क्लोज द राउंड ब्रैकेट एंड देन सेमी कॉलन। इन बिटवीन दीज राउंड ब्रैकेट्स यू विल डिफाइन यूर फील्ड नेम्स एंड देयर डेटा टाइप्स एंड देयर कॉन्स्टेंट्स। तो वेरी फर्स्ट फील्ड फॉर अ स्टूडेंट डिटेल्स आई वॉन्ट स्टूडेंट ID। नाउ आई नीड टू डिफाइन इट्स डेटा टाइप। सपोज इट्स इट आई विल एंटर सम न्यूमेरिकल डेटा, हमने न्यूमेरिकल डाटा ही इसमें एंटर करना है, जैसे 101, 102, इसमें कोई टेक्स्ट डाटा नहीं है हमने एंटर करना। तो मैं इसके लिए डेटा टाइप डिफाइन कर देता हूँ int। तो नेक्स्ट आता है आपके लिए इसका कॉन्स्टेंट, कंस्ट्रेंट लगाते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब यह है कि जो स्टूडेंट ID एक बार एक स्टूडेंट को असाइन कर दी, वो सेम ID हम किसी और स्टूडेंट को नहीं असाइन कर सकते। प्राइमरी की का कॉन्स्टेंट है, ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि अगर आप सेम, जैसे 101 आपने एक बार ID असाइन कर दिया, अगर दोबारा से इसको असाइन करने की कोशिश करेंगे तो दैट विल नॉट एक्सेप्ट।
तो ये कंप्लीट एक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है रिकॉर्ड का, मतलब आपने स्टूडेंट का आईडी दे दिया 101 नाम की आईडी का कोई और स्टूडेंट है ही नहीं है, तो इट कम्प्लीटली रिप्रेजेंट द रिकॉर्ड, कम्प्लीटली एंड यूनिकली रिप्रेजेंट द रिकॉर्ड। जैसे अकाउंट नंबर होता है बैंक में, आपका एडमिशन नंबर होता है आपके स्कूल्स में, और आप कह सकते हैं आधार कार्ड नंबर आपका, ये भी एक प्राइमरी की कॉन्स्टेंट है कि आपके नाम के बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन आपकी जो आईडी आपको असाइन किया वो यूनिक, आपका जो बैंक का अकाउंट नंबर है वो यूनिक रहेगा, जो कम्प्लीटली आपके रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कॉन्स्टेंट मैंने लगा दिया। अब लगाते हैं स्टूडेंट नेम, इसमें मैं करेक्टर्स में एंटर करूंगा, टेक्स्ट एंटर करना चाहता हूं, तो वेयर कैर लेते हैं। वेयर कैर मीन्स वेरिएबल करेक्टर, मैक्सिमम मैं इसमें 15 करेक्टर्स एंटर कर सकता हूं, इसके ज़्यादा हम एंटर नहीं कर सकते हैं। और इसका कंस्ट्रेंट कर देता हूं नॉट नल, नॉट नल का कंस्ट्रेंट मतलब ये है कि हम इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, प्राइमरी की को भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसमें इनबिल्ट ही होता है। लेकिन अगर मैं इस पर कंस्ट्रेंट लगा दिया कि आप जब भी डाटा एंटर कर रहे हैं आपका डेटा एक्सेप्ट करने के लिए, हो सकता है आप स्टूडेंट का एड्रेस छोड़ना चाहते हैं, फ़ोन नंबर आप बाद में एंटर करना चाहते हैं, लेकिन स्टूडेंट का नेम एंटर करना आपके लिए मस्ट होगा, तभी आपका रिकॉर्ड एक्सेप्टेबल होएगा। ये नॉट नल का कंस्ट्रेंट हमने इसलिए लगाया यहाँ पे। ऐसे भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100, मान लो आप मार्क्स एंटर कर रहे हैं कि 100 से ज़्यादा एंट्री ना कर पाएँ, या शुड नॉट बी लेस देन 0 कि 0 से नीचे आप मार्क्स ना एंटर कर पाएँ। ऐसे कंस्ट्रेंट्स, काफ़ी कंस्ट्रेंट्स हैं जो आप इसमें लगा सकते हैं। नॉट नल का कंस्ट्रेंट लगा दिया कि आप इसमें वैल्यू एंटर ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट वो नल ही होता है, मीन्स आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। स्टूडेंट का नेम हो गया और उसके बाद स्टूडेंट का एड्रेस, उसको भी वेयर कैर लेते हैं हम। वेयर कैर इसमें मान लो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 करेक्टर्स एंटर कर सकता हूं। और उसके बाद हर एक फील्ड का आपने नेम लिखना है, उसका डेटा टाइप मेंशन करना है, और उसके बाद आपने उसका कंस्ट्रेंट लगाना है। तो इसमें मैं कोई कंस्ट्रेंट लगाना नहीं चाहता, तो इसके बाद एंड में आपने सेमी कॉलन लगा के ये फील्ड कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट फील्ड शुरू करने से पहले आप फिर से उसका फील्ड नेम लिखेंगे। मान लो आपका फील्ड नेम है स्टूडेंट फ़ोन, तो इसके लिए भी मैं वेयर कैरी ले लेता हूं, क्योंकि जो फ़ोन नंबर होता है उसके आपने कोई न्यूमेरिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करने होते, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन नहीं करना होता, तो इसको आप करेक्टर में ही ले लेते हैं नॉर्मली फ़ोन नंबर्स को। फ़ोन नंबर्स क्योंकि करेक्टर्स में आप नुमेरिक वैल्यूज़ भी एंटर कर सकते हैं, नुमेरिक में आप करेक्टर्स नहीं एंटर कर सकते, जो नुमेरिक वैल्यूज़ आप करेक्टर में एंटर करते हैं, टेक्स्ट में एंटर करते हैं, वो एक तरह से आपकी टेक्स्ट ही कंसीडर होती हैं। तो जो लास्ट का फील्ड है उसके बाद आपको उस कॉलम कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं लास्ट फील्ड यही डिक्लेयर करना चाहता था, उसके बाद मैंने कॉमा नहीं लगाया। तो ये मेरा टेबल की डेफिनेशन है जो कम्प्लीट हो गया। मैं इसको रन करके देखता हूँ, डेटाबेस में जाके आप टूल्स में जाके एसक्यूएल कमांड को अगर आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे तो ये सक्सेसफुली रन हो गया। और मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, व्यू में आके रिफ्रेश करेंगे टेबल, तो ये टेबल आपका बन गया, तो ये आपका टेबल क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं इसको डिज़ाइन व्यू में देखूँ एडिट फॉर्म में, तो ये मेरा टेबल बना हुआ है, ये ऑलरेडी जो मैंने अभी आपके सामने एसक्यूएल कमांड के साथ एग्जीक्यूट किया। सपोज़ ये टेबल में मैंने बाद में मेरे ध्यान में आया कि मैं इसमें ईमेल आईडी तो लेना भूल ही गया भाई, इसमें ईमेल आईडी भी मैंने एक ऐड करना था एक फील्ड, तो मैं क्या बाद में भी ऐड कर सकता हूँ या मुझे दोबारा सारा टेबल बनाना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बाद में एक फील्ड ऐड कर सकता हूँ। इसके लिए कमांड होती है ऑल्टर कमांड, ये भी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर ही आती है। फिलहाल हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को ही डिस्कस कर रहे हैं, DDL कमांड्स को डिस्कस कर रहे हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम जो ऑलरेडी आपने क्रिएट किया हुआ है, एंड देन अगेन यू विल स्टार्ट, यू विल ऐड कॉलम, यू विल राइट द कीवर्ड्स ऐड कॉलम, कॉलम नेम सपोज दैट इज ईमेल, देन इट्स डेटा टाइप करेक्टर, मींस आई कैन एंटर 25 करेक्टर्स इन दैट एंड दैट इज इनफ। एंड में सेमी कॉलम लगा के आप इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। टूल्स में जाएंगे और SQL में जाके इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी, और दोबारा से एडिट करके चेक करेंगे तो इसमें इससे पहले आपको रिफ्रेश करना ज़रूरी है। टूल्स में जाके व्यू में जाके आपने रिफ्रेश करना है टेबल को और एडिट करके देखेंगे आप तो ईमेल का फील्ड भी ऐड हो गया। तो ये ऐसे आप ऑल्टर कमांड सीखी, आपने क्रिएट कमांड सीखी है, ये दोनों डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आ जाती हैं।
सपोज मुझे टेबल पसंद नहीं है, मतलब ये गलती से बन गया टेबल, मैंने इसको ड्रॉप करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कमांड है, जस्ट मैं लिख रहा हूँ ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम जो आप डिलीट करना चाहते हैं, तो सिंपली इस कमांड को आप एग्जीक्यूट कर दोगे। टूल्स में जाके, एसक्यूएल में जाके आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो आपका टेबल डिलीट हो जाएगा। अभी रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, व्यू में जाके रिफ्रेश करेंगे, दैट हैज़ गॉन बिकॉज हमने अभी अभी कमांड एग्जीक्यूट किया ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, बट मुझे डिलीट नहीं करना था, मुझे इसको एग्जीक्यूट ही करना था, और इसमें ईमेल भी हमने ऐड करना था। ये दोबारा दोनों कमांड से इकट्ठी मैं दोबारा से रन कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे टेबल डिलीट नहीं करना था, ये तो मैंने सिर्फ आपको कमांड की एग्जाम्पल देने के लिए अभी डिलीट किया था, तो मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। दोनों कमांड से इकट्ठी भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो अभी रिफ्रेश करोगे टेबल को, व्यू में जाके आप चेक करोगे तो टेबल आपका दोबारा से वापस आ गया, और एडिट में जाके देखेंगे इसमें ईमेल भी एडिट है, क्योंकि दोनों कमांड्स मैंने इकट्ठी ही एडिट कर दी। तो ये ऐसे आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आगे हमने इंस्ट्रक्टर का टेबल भी क्रिएट करना है, तो क्रिएट टेबल इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर, और इसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन करके क्लोज की, और इसके अंदर आपने पहला फील्ड लेना है इंस्ट्रक्टर आईडी, इसकी डेटा टाइप भी आपने इंटी लेनी है, और इसको भी आपने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट देना है, और इंस्ट्रक्टर नेम, और इसकी आपने वेयर कैर दे दिया 30 कैरेक्टर्स की आपने इसको, इसको भी नॉट नल डिफाइन कर देते हैं। तो इसके बाद ऐसे इंस्ट्रक्टर का टेबल बनाना, और साथ के साथ हम कोर्स का टेबल बनाना है, उसके लिए क्रिएट टेबल कोर्स, और इसको भी राउंड ब्रैकेट के साथ क्लोज कर देते हैं। सिंपली आप लिखोगे कोर्स आईडी इंट प्राइमरी की एंड कोर्स नेम बैक 30 एंड नॉट नल। तो इसके बाद आपने स्टूडेंट्स एनरोलमेंट का टेबल बनाना है, पहले इन दोनों टेबल्स को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, दोनों टेबल्स को इकट्ठी कमांड्स में एग्जीक्यूट कर देता हूँ इनकी। उसमें जाके आपने एसक्यूएल में ये दोनों कमांड्स इकट्ठी एग्जीक्यूट की, तो सक्सेसफुल नहीं आया, कुछ एरर इसने अभी दी है कमांड में, कौन सी कमांड में इसने अभी एरर दी है देखिए, अनएक्सेप्टेड इंस्ट्रक्टर आई डी इंट प्राइमरी की, इसमें कुछ एरर रही है अभी जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। एक तो यहाँ पे गलती से हमें सेमीकोलन लग गया, यहाँ पे लास्ट फील्ड के बाद आपने कोई सेमीकोलन लगाना ही नहीं, तो अब दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे, दोबारा से चेक करते हैं इसमें क्या गड़बड़ रही है, दोनों को अलग अलग से, यहाँ से कोई सेमीकोलन हमें चाहिए नहीं था, ये लास्ट फील्ड था, तो अकेले अकेले पहले इंस्ट्रक्टर का टेबल एग्जीक्यूट करके देते हैं, क्लोज करें और टू व्यू में जाके रिफ्रेश करते हैं, तो इंस्ट्रक्टर का टेबल अपना ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, और एडिट में जाके चेक करें तो इंस्ट्रक्टर आईडी और इंस्ट्रक्टर नेम दो ही फील्ड हमने इसमें लिए थे, वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके। तो उसके बाद हमने यहाँ पर भी गलती कर दी थी, यहाँ पर भी सेमीकोलन नहीं लगाना, और कोर्स का जो टेबल है इसको भी एग्जीक्यूट कर दें, या फिर एसक्यूएल में यस टू एंड रिफ्रेश कर देते हैं टेबल को। तो हमने तीन टेबल बना लिया, एक लास्ट टेबल और बनाते हैं, उसके बाद कुछ और कमांड्स के बारे में सीखेंगे हम, डीएमएल की कमांड्स के बारे में और रिलेशनशिप के बारे में सीखेंगे। तो ऐसे आपने टेबल बनाया स्टूडेंट्स एनरोलमेंट का, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स एनरोलमेंट। यस, तो सबसे पहले एनरोलमेंट आईडी, एनरोलमेंट आईडी इंट प्राइमरी की, उसके बाद मैं डिफाइन करना चाहता हूँ स्टूडेंट जो इसमें एनरोल हो रहा है। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी स्टूडेंट डिटेल्स में दे चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेंगे, केवल स्टूडेंट की आईडी यहाँ से पूछेंगे हम, तो बाकी रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन हमें स्टूडेंट्स डिटेल्स के टेबल में मिल जाएगी। तो मैं एनरोलमेंट के टेबल में जाके केवल और केवल स्टूडेंट की आईडी ही मेंशन करूंगा, तो स्टूडेंट आईडी
और int प्राइमरी की। सिमिलरली कौन से कोर्स में बच्चा एनरोल हो रहा है, तो उसके लिए भी मैं कोर्स की आईडी ही मेंशन करूंगा। कोर्स का नेम इस टेबल में से हम उठा सकते हैं, कोर्स आईडी। इसमें प्राइमरी की एक ही होती है, इसमें हम प्राइमरी की एक से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, प्राइमरी की एक ही होती है, वो है एनरोल आईडी। तो int कोर्स आईडी हो गया अपना। और देन इंस्ट्रक्टर कौन रहेगा स्टूडेंट का, तो इसके लिए इंस्ट्रक्टर आईडी int। तो इससे आप स्टूडेंट्स एनरोलमेंट टेबल बन गया। और लास्ट में सेमीकोलन आपने लगाना है यहाँ पे, और इसको भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसमें जाके एसक्यूएल कमांड में आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, तो ये टेबल भी आपके आपके टेबल्स कंप्लीट हो चुके हैं। चार टेबल आप बना चुके हैं, स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्टर डिटेल्स, कोर्स। तो पहली बात, तो हमारे पास जब स्टूडेंट की हमने अनरोलमेंट करनी है किसी कोर्स में और जहां उसको इंस्ट्रक्टर के साथ अलाइन करना है, तो पहली बात तो वो स्टूडेंट हमारे पास एडमिट होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन भरेंगे हम कि स्टूडेंट्स, जो जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। और हमारे पास जो इंस्ट्रक्टर उनको पढ़ाएगा वो भी इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। तो इसके बाद इंस्ट्रक्टर्स की डिटेल भरेंगे, और उसके बाद कोर्सेज कौन कौन से हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं वो कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे भरेंगे। और उसके बाद एनरोलमेंट टेबल को फिल करेंगे, जिसमें स्टूडेंट की आईडी पिक करेंगे। अगर स्टूडेंट हमारे पास है, हमारे पास ऑलरेडी एडमिटेड है स्टूडेंट, तभी हम स्टूडेंट की आईडी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोर्स अवेलेबल है तभी हम यहाँ पे कोर्स आईडी मेंशन कर सकते हैं। अगर इंस्ट्रक्टर हमारे पास अवेलेबल है तभी हम इंस्ट्रक्टर आईडी मेंशन कर सकते हैं। मींस अगर रेफरेंसी टेबल में ये इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है तभी हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें रिलेशनशिप बनाना होता है। रिलेशनशिप के लिए हम टूल्स में जाते हैं, रिलेशनशिप में ऐड कर देते हैं सारे टेबल्स, दिस दिस और दिस। तो हमारे लिए ये स्टूडेंट एनरोलमेंट टेबल है जो, वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पे स्टूडेंट एनरोलमेंट टेबल, ये तो स्टूडेंट्स डिटेल्स का टेबल है, और यहाँ से मैं स्टूडेंट्स एनरोलमेंट टेबल उठा लेता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट की आईडी यूज़ कर रहा हूँ, बाकी जो डिटेल है वो इस टेबल के अंदर है, तो इसको मैं इसके साथ रिलेट कर देता हूँ। तो देख रहे हैं आप, वन टू मैनी रिलेशनशिप बना है, मतलब एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्सेज में भी एनरोल हुआ हो सकता है, मतलब वन स्टूडेंट कैन बी एनरोल्ड इन मोर देन वन कोर्सेज। तो उसको कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, कौन इंस्ट्रक्टर है उनके, उसको इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे वन टू मैनी रिलेशन बन गया कि एक स्टूडेंट को बहुत सारे, एक इंस्ट्रक्टर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होगा, मल्टीपल स्टूडेंट्स को एक इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा होगा। और यहाँ कोर्स का आप कोर्स आईडी के साथ रिलेट कर दोगे, मतलब एक कोर्स मल्टीपल स्टूडेंट्स ने एनरोल भी किया हो सकता है, मतलब एक ही कोर्स को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल किया होता है। तो ये ऐसे आपने वन टू मैनी रिलेशनशिप इनमें अंदर बना दिया। तो अब हम डाटा एंटर करेंगे। यस, सबसे पहले हम स्टूडेंट्स की डिटेल्स के लिए डाटा एंटर करते हैं। इसके लिए इंसर्ट, अब हम चलते हैं डीएमएल कमांड्स में। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद डीएमएल। अभी तक हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस पढ़ रहे थे कि जिसमें डाटा डिफाइन करना है। अब हमने डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में, मैनिपुलेशन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि डेटा मैनिपुलेट करना, अब डाटा एंटर करना या डाटा को मैनिपुलेट करना अपने, उसके लिए हम कमांड्स करेंगे। तो पहले मैं स्टूडेंट्स की डिटेल्स के लिए डाटा भरना चाहता हूँ, जिसमें स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल भरना है मैंने। तो उसके लिए कैसे कमांड होती है, सबसे पहले इंसर्ट कमांड होती है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है हमारे पास, टेबल का नाम है स्टूडेंट्स डिटेल्स। देन आपने फील्ड स्पेसिफाई कर देने हैं, कौन कौन से फील्ड के अंदर आपने वैल्यूज भरनी है। मान लो मैंने स्टूडेंट की आईडी भरनी है, स्टूडेंट आईडी, और उसके बाद स्टूडेंट की आईडी के बाद एक बार सारे चेक कर लेते हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट फोन और ईमेल।
student ID, student name. Student ID और student name compulsory है because student ID primary की है, student name not null किया हमने. आगे आपकी इच्छा है, अगर नहीं भरना चाहते तो field specify मत कीजिए, अगर भरना चाहते तो कर दीजिए. मान लो मैं भरना चाहता हूँ student का address, email मैं नहीं भरना चाहता तो उसको मैंने specify नहीं किया. उसके बाद values, क्या क्या values है. मान लो student की ID है 101, student का नाम है राकेश पंडित और स्टूडेंट का एड्रेस है चंडीगढ़. आप देख रहे होंगे जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, इंटीजर वैल्यूज हैं, उनको डबल कोट में लेना जरूरी नहीं होता है, लेकिन जो टेक्स्ट वैल्यूज हैं उनको डबल कोट्स में लिखना बहुत जरूरी है. तो मैंने स्पेसिफाई किए थे स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम जो तो कंपल्सरी था ही बिकॉज ये प्राइमरी की है, और इसको आपने नॉट नल स्पेसिफाई किया था, और स्टूडेंट का एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस मैं अभी नहीं भरना चाहता तो मैंने यहाँ पे फील्ड को स्पेसिफाई भी नहीं किया. जिस ऑर्डर में आपने फील्ड के नेम्स को स्पेसिफाई किया उसी ऑर्डर में आपने उसकी वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है. तो मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और चेक करता हूँ कि इसमें वैल्यूज़ एंटर हो गई हैं या नहीं. अभी आप टूल्स में जाके अभी टूल्स में जाके SQL कमांड को आप रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे तो कॉलम नॉट फाउंड, समथिंग वी हैव डन रॉन्ग हेयर. इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, वैल्यूज, कॉलम नॉट फाउंड राकेश पंडित. ये कॉलम उसको मिला नहीं है, ये हमने कोई अभी मिस्टेक की है, इसमें चेक कर लेते हैं क्या मिस्टेक रही है अपनी. स्टूडेंट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स डिटेल्स, तो हमने बिल्कुल सही भरा है. स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नेम फील्ड जो है अपना देख लेते हैं बार क्या गड़बड़ा है इसमें, चेक कर लेते हैं. इस टेबल में कोई मिस्टेक रह गया, एक बार एडिट करके हम चेक कर लेते हैं क्या रही है मिस्टेक इसमें. फील्ड का नेम तो बिल्कुल सही स्पेसिफाई किया और इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिटेल्स वैल्यूज. तो ऐसे होता है, स्टूडेंट इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, एवरीथिंग इज करेक्ट. तो एक बार दोबारा एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं इसको क्या गड़बड़ रही है इसमें. टूल्स में जाके आपने दोबारा से रन कर लेते हैं इसको एक बार, मिस्टेक रही है चेक हो जाएगा दोबारा से. कॉलम नॉट फाउंड राकेश पंडी, व्हाट इज अ मिस्टेक इन दैट. कॉलम्स की जो हेडिंग्स है इसमें कोई मिस्टेक रह गई है, जैसे स्टूडेंट नेम की स्पेलिंग है या स्टूडेंट एड्रेस की जो स्पेलिंग है इसमें कोई मिसमैच हो गया है, वो चेक कर लेते हैं हम क्या रहेगा डिटेल में. स्टूडेंट आईडी सही रखा है आपने, स्टूडेंट नेम में हमने STUDENT, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस ये भी सही मेंशन किया है, तो ये तो सही रहे हैं. दोबारा से एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसको, टूल्स में जाके SQL.
insert into rinse details, then a student ID, student name, student address, values. पहले हमने वैल्यू रखी है 101, कॉमा नेम रखा है मान लो रंजीत, और आपने एड्रेस रखा है मान लो चंडीगढ़। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या एरर आ रही है। अभी कॉलम नॉट फाउंड रंजीत, समथिंग इज ये इंसर्ट कमांड इसमें एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, वैसे एक सेट कमांड रन करने का सही वे यही है। तो उसके साथ ही हम जो यहाँ पे डबल कोट्स की जगह आपने टेक्स्ट के लिए सिंगल कोट्स यूज़ करने हैं, ये मिस्टेक हम अभी जो कर रहे थे, तो ये मिस्टेक आपने इम्प्रूव करनी है। यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज़ करने हैं इंस्टेड ऑफ डबल कोट्स, बाकी बिल्कुल सही है। और ये आप एक के सामने एक कमांड और एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें जाके एसक्यूएल में जाके आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो स्टूडेंट क्रेडिट में अभी आपने दो कॉलम्स ऐड कर दिया। अब हमने मान लो कि हम फ़ोन नंबर भूल गए हैं एंटर करना, तो हमने इसको फ़ोन नंबर एंटर करने के लिए हमने कमांड एग्जीक्यूट करनी है, तो इसके लिए हम अपडेट कमांड यूज़ कर सकते हैं। अपडेट के लिए हमें सिंपली अपडेट टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स डिटेल्स सेट फोन नंबर, स्टूडेंट फोन नंबर इजिकल टू मान लो फोन नंबर है 4567, मान लो दिस इज़ द फोन नंबर ऑफ द स्टूडेंट। ये सिंगल कोड में लिखेंगे आप बिकॉज ये टेक्स्ट लिया था हमने, तो इसको आप रन करोगे कमांड को अपडेट करने के लिए। अपडेट करने के लिए हमें मेंशन भी करना है कि कौन से फील्ड में अपडेट करना है, वेयर स्टूडेंट आई डी इजिकल टू 101, जहाँ पे स्टूडेंट आई डी 101 है वहाँ पे ये फ़ोन नंबर अपडेट हो जाए, तो इसके लिए आपने ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है। तो सिंपली यू विल गो टूल्स, यू विल गो हियर टूल्स एंड एसक्यूएल एंड यू विल रन हेयर कमांड। कॉलम नॉट फोन स्टूडेंट फोन नंबर, ये स्पेलिंग आपने खास ध्यान रखना है कि आपने जो फील्ड की स्पेलिंग है वो क्या रखे हैं। तो अभी इस फोन नंबर के लिए हमने जो स्पेलिंग है फील्ड के एग्जैक्टली वो स्टूडेंट फोन है, और हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्टूडेंट फोन नंबर, तो एग्जैक्टली सेम फील्ड का नाम होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये मैच नहीं मिल पाएगा उसको। तो अभी आप एग्जीक्यूट करोगे, सिमिलरली टूल्स में जाके अगर आप एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपकी सक्सेसफुल टू लॉन्ग वैल्यू, यहाँ पे फ़ोन नंबर की जो वैल्यूज़ है करेक्टर्स हैं आपने ज़रूर से ज़्यादा एग्जीक्यूट कर रखे हैं, तो सक्सेसफुल हो गया। अगर आप देखोगे दोबारा से खोल के तो ये फ़ोन नंबर इसका यहाँ पे अपडेट हो गया। तो ये आपकी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आ जाता है कि आपने डाटा अपडेट करना है अपना, जहाँ डेटा इंसर्ट करना है, तो ये आपकी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आ जाते हैं। होपफुली आपको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस की कुछ कमांड्स जो अभी हमने डिस्कस की हैं और रिलेशनशिप कैसे
बनाना टेबल्स के बीच में और वन टू मैनी रिलेशनशिप का क्या बेनिफिट रहता है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक एक दो एंट्रीज और कर लेते हैं कोर्स की। एक कोर्स के टेबल में हम एंट्रीज करके देखते हैं, अभी चेक करते हैं। कोर्स का टेबल अभी हमने बनाया था यहाँ पे, जिसमें हमने कोर्स की आईडी और कोर्स का नेम यही हमने एंटर करना है। तो इसके लिए मैं कमांड रन करता हूँ आपके लिए यहाँ पे, इंसर्ट इनटू कोर्स, टेबल का नाम है कोर्स एंड देन। अब मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं करता फील्ड के कौन से फील्ड में एंटर करने हैं। अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते, आपको सभी फील्ड्स में वैल्यूज़ एंटर करनी ज़रूरी होती है, मेंशन भी नहीं कर रहा हूँ। तो मान लो कोर्स की आईडी है 501 और कोर्स का नाम है साइंस, तो आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। पहले हमने कहा था ना इंसर्ट इनटू, उसके बाद फील्ड के नेम्स डिफाइन किए थे और उस ऑर्डर में हमने वैल्यूज़ असाइन की थी कि इस फील्ड को ये वैल्यूज़ आपने असाइन करनी है। अगर आप कुछ भी फील्ड स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो आपको सभी फील्ड फिल करने ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई फील्ड के नेम स्पेसिफाई नहीं किया, डायरेक्ट वैल्यूज़ एंटर कर रहा हूँ, तो मुझे फील्ड सारी वैल्यूज़ भरनी ज़रूरी है। यहाँ पे दो ही फील्ड और दो ही वैल्यूज़ हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टूल्स में जाके एसक्यूएल में सेम कमांड मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू कोर्स, यहाँ पे कोर्स में भी हमें स्पेसिफाई करना ज़रूरी है फील्ड के लिए, तो हम स्पेसिफाई कर देते हैं इंसर्ट इनटू कोर्स। फील्ड का नाम है हमारे पास में कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम वैल्यूज। बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं कि आपको ज़रूरी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ज़रूरी है। कॉलम कोर्स नेम इन स्टेटमेंट इंसर्ट इनटू दिस कॉलम नॉट फॉर कोर्स नेम, कोर्स का नेम जो फील्ड है उसको नहीं मिला। चेक कर लेते हैं कि कोर्स के नेम की जगह हमने क्या स्पेसिफाई किया, फील्ड का नाम, फील्ड का नाम कोर्स और नेम के अंदर हमने अंडरस्कोर स्पेसिफाई किया, तो ये ज़रूरी है कि अंडरस्कोर सेम स्पेलिंग होने बहुत ज़रूरी होते हैं यहाँ पर। कोर्स और नेम में हमने अंडरस्कोर स्पेसिफाई किया, ये खास ध्यान रखना आपने जब भी अपने ये क्वेरीज को एग्जीक्यूट करें, तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। 501 साइंस, होपफुली आपको DML और DDL कमांड्स अंडरस्टूड होगी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी टेलीफोनिकली। थैंक यू स्ट्रेंथ, थैंक यू वेरी मच।